सत श्री अकाल जी, मैं रणजीत कौर, सरफेस ऑर्नामेंटेशन टेक्निक्स एम्ब्रॉयडरी इंस्ट्रक्टर फॉर ITI वूमेन नवांशहर। मेरे अज के बोलने का विषय है कंबीनेशन ऑफ स्टिचेस ऑफ शेड एंड साटन। ये वीडियो देखने तो पहला टेक्निकल डिपार्टमेंट के यूट्यूब चैनल ITI पंजाब स्किल सबसक्राइब करो और बैल आइकन पर क्लिक करो ताकि तुसी आने वाले समय विच साडे वालों बनाईया जान वालियां वीडियो देख सको। हाँ जी, सब तो पहला मैं साटन स्टिच बारे दसना चाहती हाँ। इस स्टिच नूं कढ़ाई दे बेसिक टांकियां विच गिणिया जांदा है, जिवें कि एम्ब्रॉयडरी विच टांकियां नूं तीन भागां विच वंडिया गया है, फ्लैट स्टिचेस, लूप स्टिचेस, गठ वाले टांके मतलब कि नॉटेड स्टिचेस आदि। साटन स्टिच नूं फ्लैट स्टिचेस दे विच वंडिया गया है जां गिणिया गया है। इहो टांके हुंदे हन जिहड़े कपड़े दे नाल नाल कपड़े दे नाल लग जांदे हन, भाव चिपक जांदे हन। साटन स्टिच नूं असीं गोल एम्ब्रॉयडरी भी कहिंदे हां क्योंकि इह उपर तों हेठां तों गलाई विच बनदी है। ये टांका उपर तो हेठा भाव दोनों पासे तो इको जिहा लगता है। यह एक फैंसी टांका है। हाँ जी, असी गल करते हैं कि साटन स्टिच की वरतों छोटे तो लैके वड्डे वड्डे फ्लावर अते पत्तियां दे विच इसकी असी वरतों करते हाँ। इस स्टिच नाल असी एप्लिक वर्क, कट वर्क अते कॉर्डिंग आदि लगाउण दे लई भी करते हाँ। असी गल करते हाँ कंबीनेशन ऑफ शेड एंड साटन स्टिच। शेड वर्क अते साटन स्टिच दा आपस विच बहुत ज़्यादा सुमेल है क्योंकि साटन स्टिच दी मदद नाल ही असी एक शेड वर्क तैयार कर सकते हाँ। हुण तुहानूं मैं साटन अते शेड करनी सिखावांगी। सब तो पहला असी एक कोई भी अपने मनपसंद भाव जिस तरह का तुसी डिज़ाइन वस्त्र या कुछ भी तैयार करना है उस दे अकॉर्डिंग डिज़ाइन सिलेक्ट करना है। डिज़ाइन सिलेक्ट करने तो बाद ड्राइंग की सहायता नाल डिज़ाइन तैयार करो। डिज़ाइन तैयार करन तो बाद ट्रेस पेपर ते उतार लवो, फिर उसनू पिनअप करन तो बाद नील जिंक मिट्टी के तेल की सहायता नाल इसनू ट्रेस कर लवो। डिज़ाइन ट्रेस करन तो बाद जिस तरह असी इस विच कलर आदि लगाना चाहते हाँ कलर नू चूज़ करो। हाँ जी, सब तो पहला जदों असी कोई भी फ्लावर नू कढ़ाई कढ़न दे लई असी बनाना है ता सब तो पहला डिज़ाइन जां फ्लावर दे सेंटर विच सूई नू खुबो के टांके नू पक्का कर लवांगे क्योंकि कढ़ाई ट्रेड दे विच ज़्यादातर स्टिचेस नू गंठ नहीं लगाई जांदी। हाँ जी, इसे तरह सानू उसनू इस तरह ही पक्का कीता जांदा है। इस डिज़ाइन नू बनाउण लई एंकर दे धागियां दा इस्तेमाल करांगे, जिमें कि असी इहदे विच जिहड़ा कलर कंबीनेशन है वह असी लाइट तो डार्क भी लगा सकते हाँ अते डार्क तो लाइट भी लगा सकते हाँ। मतलब कि डार्क तो भाव हैगा कि सब तो पहला असी डार्क कलर, फिर उस तो लाइट, फिर उस तो लाइट। जेकर असी दूजे तरह करना होवे लाइट तो डार्क तो असी लाइट, फिर उस तो डार्क, फिर उस तो डार्क। इस तरह जिहड़ा मेरा ये वाला डिज़ाइन हैगा आ मैं इस दे विच लाइट कलर ही चूज़ कीता है। जिस तरह कि मैं तुसी देखते हो इस वीडियो दे विच कि मैं सब तो पहला लाइट कलर नू ही चूज़ करके इहदे उत्ते अप्लाई कीता आ। हाँ जी, सब तो लाइट कलर जदों असी सेंटर दे विच इहनू फ्लावर नू बनांदे जांदे आ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਉਹ ਕੱਟੇ ਫਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਟਾਂਕਾ
जिस तरह तुसी वीडियो देखते हो लंबा अते छोटा टांका लेंदे होए चले जाना है। हाँ जी, इसी तरह वार वार करते जाओ। फिर उस तो बाद असी इस दे जेड़े भी किनारे किते भी सानू टुट भज हैगी है उहदी नाल दी नाल असी इनू कंप्लीट करते चले जावांगे। जिथे भी सानू किते स्पेस नज़र आउंदी है उहनू असी नाल दी नाल फिल करते जाना है। उस तो बाद हाँ जी बार बार इसे तरह असी इस डिज़ाइन नू करते चले जाने हैं। फिर उस तो बाद हाँ जी इसे तरह असी फिर सेंटर दे विच आ जाना है। सेंटर दे विच असी फिर इसे तरह रिपीट करते जाना जिस तरह असी पहले दी तरह असी लंबा अते छोटा टांका लिया सी। हाँ जी टांकियां दी लंबाई है जिहड़ी वह इक्को जिही होनी चाहिए है। इस तरह असी वार वार इस डिज़ाइन नू करते जावांगे। लंबा ते छोटे टांके दी असी भर्ती पाते चले जाने। यही कढ़ाई बहुत ही ज़्यादा मुलायमदार हुंदी है जिवें कि तुसी इस वीडियो विच मैं कर रही हाँ। इस दे नाल भी सारे टांके किनारे है जिहड़े टांकियां दे नाल कटे फटे है उन्हूं आपां भरते जाना है। इस तरह असी करते हुए इनू जिहड़ा असी दूजा कलर असी लवांगे जिहड़ा इस तो थोड़ा डार्क है। इस तरह असी सूई नू सेंटर दे विच घुबो के उस तरह असी लंबा छोटा टांका इस तरह लेना है कि जिहड़ा उपर वाला टांका लिया है नीचे वाले टांका उहदे विच जाके चंगी तरह खुब जावे भाव कि उहदा आपस दे विच सुमेल हो जावे एक दूजे दे विच रच मिच जावे ताकि सानू कोई भी ऐदां देखण दे विच कोई भी स्पेस नज़र नहीं आनी चाहिए। इस तरह असी इस नू वार वार करदे चले जाने हां। कोई भी जिहड़ी तुहानूं नीचे वाला कपड़ा बैकग्राउंड दा हैगा वह नज़र आउंदा आ उस तरह इनू भर्ती नू करदे चले जाओ। इस तरह असी पूरा अपना डिज़ाइन दी जो फ्लावर दी हैगी है एक साइड असी कंप्लीट कर दीती है। कोई भी किनारा जदों किनारे ते आने आ उन्हों चंगी तरह फिनिशिंग नाल दी नाल दंदे चले जाओ। फिर उस तरह असी वीडियो दे विच वार वार दूजी साइड नू करदे चले जाना है। हुण उस तरह दूजी साइड तो भी किनारा कोई कटिया फटिया नज़र नहीं है आना चाहिए। इस तरह असी जिहड़ा हुण अगला धागा हैगा आ सब तो डार्क इन्हां दोनों तो भी डार्क जिहड़ा हैगा आ वह असी लिया आ। इस दे विच असी फिर उस तरह सैकेंड पार्ट की तरह असी फिर दोबारा रिपीट करते चले जावांगे। इनू भी इदा ही लंबा तो छोटा टांका लेंदे हुए लंबा तो छोटा टांका लेंदे हुए वार वार असी इस डिज़ाइन नू कंप्लीट करते चले जावांगे। ये जिहड़ा नीचे वाला टांका असी इस तरह लेना आ कि वह दूजे नंबर वाले टांकियां दे विच जाके मिक्स हो जावे एन इस तरह कि एक सानू कुदरती डिज़ाइन की तरह या कुदरती फ्लावर की तरह नज़र आवे जिस तरह कुदरत दा बनिया हुंदा है। इस तरह करदे साड़ी यह पत्ती है कंप्लीट हो जाएगी। इस तो बाद असी वार वार करन ते अगली पत्ती शुरू करांगे। अगली पत्ती शुरू करन ते असी उसे जिस तरह असी पहला कीता है फिर असी उस तरह इसनू हाँ जी इस तरह दूजी लाइन दूजा जिहड़ा हैगा आपां इनू पत्ती नू कंप्लीट करांगे जिस तरह असी पहली कीती आ। इस तरह असी वार वार करते जाने जिस तरह पहला असी भर्ती पाई है कि सानू कोई भी बैकग्राउंड नज़र नहीं आनी चाहिए नीचे वाली कपड़े की कोई भी सतह नहीं नज़र आनी चाहिए। इस तरह असी इनू कंप्लीट करते चले जाना है ताकि
टांके असी लंबे ते छोटे लेने हैं। इनू असी वार वार करते जिदा मैं थानू डिज़ाइन दे विच दिखा रही हाँ, वार वार करन दे नाल ए एक बहुत ही सोहना फ्लावर बन के तैयार हो जाएगा। इस तो बाद असी सैकेंड पार्ट जो हैगा या उस तो अगला पार्ट असी वार वार स्टैप बाय स्टैप असी करते चले जावांगे। जिस तरह कि मैं अपने डिज़ाइन दे विच हाँ जी कंप्लीट होने तो बाद असी फिर ये एक होर कलर का असी धागा लवेंगे। जिथे किते सानू लगता है नज़र आता है कि किते भी किनारा कोई कटिया फटिया है उन्हों पहला ही असी फिनिशिंग दे देवांगे। हाँ जी जिस तरह मैं हुण तुहानू वीडियो दे विच दिखा रही हाँ, मैनू किते किते नज़र आता है कपड़ा, मैं उन्हों कंप्लीट कर दी जा रही हाँ। तुसी भी इस तरह करते जाना है, इस तरह वार वार करन दे नाल ये पूरा फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा। जिदा असी ये दो पत्तियां तैयार कीतियां हैं इस तरह असी बाकी दियां भी जिहड़ियां तीन पत्तियां रहिंदियां उन्हों तैयार करके एक कंप्लीट फ्लावर तैयार कर देवांगे। हाँ जी इस तरह असी अगला जिहड़ा धागा है ग्रीन कलर का धागा मैं डिजा अपने फ्लावर के अकॉर्डिंग ग्रीन कलर का धागा लवांगी, जिस दे नाल सानू ये साडा जिहड़ा बनिया होया फ्लावर होर भी ज़्यादा बहुत सोहना लगेगा। इस तरह स्टैप बाय स्टैप करन दे नाल ये टंक जिहड़ा फ्लावर है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अते शेड अते साटन का इसलिए शेड अते साटन स्टिच का आपस दे विच बहुत ज़्यादा संबंध है। अते मेरा यह वीडियो इत्थे खत्म हुंदा है। जेकर मेरा वीडियो तुहानू पसंद आया है तां इसनू लाइक ते कमेंट जरूर दिओ। धन्यवाद।